वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट टू, ठीक है। आपका यूनिट दो है और हम बात कर रहे हैं जूलॉजी, ठीक है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर। क्या है आपका यूनिट टू बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। और ये क्या है आपका जूलॉजी, बीएससी है आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर यूनिट आपका सेकंड है जिसमें क्वेश्चन है आपका चार, और हम बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की एक से लेकर तीन तक हमने डिस्कस कर लिए। आज हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि एंजाइम क्या है। क्या पूछ रहा है? एंजाइम क्या है, ठीक है, और कह रहा है इसके रासायनिक स्वभाव कार्य प्रणाली पर एक नोट लिखिए। क्या करना है? रासायनिक स्वभाव और कार्य प्रणाली पर आपको एक नोट लिखना है, ठीक है। इसके गुणों पर भी प्रकाश डालिए। क्या करना है? इसके गुणों पर भी आपको क्या करना है? प्रकाश डालना है, ठीक है। क्या है एंजाइम, रासायनिक स्वभाव क्या है, कार्य प्रणाली पर एक नोट लिखिए और इसके गुणों पर भी प्रकाश आपको डालना है, ठीक है। डिफाइन एंजाइम करना है, गिव देयर केमिकल नेचर एंड मोड ऑफ वर्किंग आपको बताना है, एंड क्या करना है, एंड करेक्टरिस्टिक्स करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एंजाइम, एंजाइम आखिर होते क्या है, ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे पदार्थ, ठीक है, जो किसी क्रिया की दर को बढ़ा दें, क्या कर दें, इनका काम केवल यही होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करना, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं आपके, एंजाइम कहलाते हैं। और ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, जिस तरह से ये अभिक्रिया को बढ़ाते हैं अभिक्रिया के अंत तक ना ये खर्च होते हैं और ना ही ये अधिक बनते हैं, जिस मात्रा में रहते हैं उसी मात्रा में बने रहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी खर्च नहीं होते, अभिक्रिया पूरी करा देते हैं, ठीक। तो ये आपको इतना ध्यान रखना। कह रहे हैं एंजाइम जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक हैं, क्या है, बायो कैटलिस्ट है, ठीक है, क्या है, बायो एंजाइम, ठीक, जो शरीर में होने वाली विभिन्न जैव अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल अभिक्रियाएं होती हैं जो भी हमारी, उनको ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये कैटालिटिक प्रोटीन होते हैं, कैसे होते हैं, ये कैटालिटिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, यानी कि एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। इस प्रोसेस में एंजाइम का कंजप्शन नहीं होता है, क्या होता है, एंजाइम का कंजप्शन नहीं होता है, यानी कि एंजाइम कुछ भी मात्रा में कम नहीं होता है, ठीक है, एंजाइम का वर्न नहीं होता है, यानी कि वो खर्च नहीं होता है, ठीक। जितना आपका एंजाइम अभिक्रिया के दौरान आपने डाला था, अभिक्रिया समाप्त होने के बाद उतना ही आपको एंजाइम प्राप्त होगा, ठीक है, और वो बाहर निकल जाएगा। कह रहे हैं अभिक्रिया के समाप्त होने पर एंजाइम की मात्रा तथा विशेषता में कोई अंतर नहीं होता है, जितनी मात्रा थी और वो जैसा था उसमें कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिस कारण एंजाइम का प्रयोग दूसरी रिएक्शन में भी किया जा सकता है। अब उसी एंजाइम को हम किसी अन्य रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइम की खोज किसने की थी, ये आपको याद रखना है, एंजाइम की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, एडवर्ड बुकनर ने की थी। किसने? एडवर्ड बुकनर ने। कब की थी? 1897 में, ठीक है। तो एंजाइम की खोज 1857 में एडवर्ड बुकनर ने की थी, ये आपको याद रखना है। यह एक ईस्ट का, हाँ, ये कौन, ये जो आपके थे एडवर्ड बुकनर, ये क्या कर रहे थे, एक दिन ईस्ट का रस निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? ईस्ट का रस निकाल रहे थे। इसके खराब होने के कारण इसमें शर्करा डाल दी। क्या कर दिया था वो, इन्हें लगा कि ये खराब है और उन्होंने क्या करा, इसमें थोड़ी सी शर्करा डाल दी, ठीक है, चीनी डाल दी, जिसके किण्वन से, किण्वन की क्रिया से अल्कोहल बन गया। अब उसका क्या हो गया, फर्मेंटेशन हो गया। जिन्होंने क्या कर दिया, ईस्ट लगा खराब है, उसमें थोड़ी शर्करा डाल दी और वहां पर कौन सी प्रक्रिया हो गई, क्रिया हो गई आपकी, फर्मेंटेशन की क्रिया हो गई, जिससे इन्हें क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया? अल्कोहल। इस रस को उन्होंने एंजाइम कहा। किसको? जो ईस्ट जो रस डाल रहे थे, निकाल रहे थे, उसको इन्होंने क्या कह दिया था, जो रस निकाल रहे थे उसी रस को इन्होंने क्या कह दिया था, एंजाइम कह दिया था, ठीक है, जिसने क्या कर दिया था, चीनी को फर्मेंटेशन कर दिया था, ठीक। कह रहे हैं एंजाइम की रासायनिक प्रकृति, ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं सभी एंजाइम प्रोटीन के होते हैं। क्या होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। क्या होता है? सभी एंजाइम तो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम
बाहर से ग्रहण करते हैं, जो प्रोटीन आपके होते हैं इनको हम भोजन के थ्रू ग्रहण करते हैं, ठीक है। बहुत ही कम प्रोटीन होते हैं जो जीवों के अंदर बनते हैं, बाकी प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है, ठीक है। और एंजाइम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ही रिलीज होते रहते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि सभी प्रोटीन जो है एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं। और कह रहा है ये निम्न प्रकार के होते हैं, तो भी कौन कौन से प्रकार हैं निम्न, इनको हम सबसे पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर एक है आपका सरल ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसके एग्जाम्पल इंसुलिन और पेप्सिन। सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है इंसुलिन और पेप्सिन। दूसरा क्या आपका ग्लोबुलर मेटेलो प्रोटीन, क्या ग्लोबुलर मेटेलो प्रोटीन और एस्कार्बिक एसिड और ऑक्सीडेज इसके एग्जाम्पल है। थर्ड है आपका संयुग्मी प्रोटीन, इसमें क्या है आपका ट्रांसएमिनेज और कैटालेज, क्या है ट्रांसएमिनेज और कैटालेज, ये एग्जाम्पल आपको इनके याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम संयुग्मी प्रोटीन की बात करें, संयुग्मी प्रोटीन की बात करें कंजुगेटेड प्रोटीन, तो ये ग्लोबुलर या मेटेलो प्रोटीन जो एक अप्रोटीन प्रोस्थेटिक वर्ग से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, अप्रोटीन प्रोस्थेटिक वर्ग से जुड़ा रहता है, इसे होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। कह रहा है कंजुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन एक दूसरे केमिकल ग्रुप, क्या एक दूसरे केमिकल ग्रुप से कोवेलेंट या अदर इंट्रैक्शन से जुड़ा रहता है, ठीक है। केमिकल ग्रुप यानी कि ये या आपका वो क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या कुछ और हो सकता है उसकी जगह पे, ठीक है। तो वो या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे या कुछ अन्य दूसरा उनमें आकर्षण होगा जिससे वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक। कह रहा फूड प्रोटीन का कंजुगेशन कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकेशन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकेशन के द्वारा होता है। जो फूड प्रोटीन होती है उसका कंजुगेशन किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकेशन के द्वारा होता है। नंबर एक प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, और अप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, सहकारक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रोटीन भाग को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, और अप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, सहकारक कहते हैं, ठीक। तो कह रहा है सहकारक एक को एंजाइम या प्रोस्थेटिक समूह हो सकता है, जो आपका सहकारक है वो क्या हो सकता है, एक को एंजाइम या एक प्रोस्थेटिक समूह हो सकता है। सहकारक यह छोटा ताप स्थाई यानी कि इसका टेम्परेचर वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वह अपोहनीय कार्बनिक अणु है, क्या सहकारक यह सरलता से एपो एंजाइम से पृथक हो जाता है, एपो एंजाइम से अलग हो जाता है, जैसे एनडीपी एनएडीपी और को एंजाइम एंजाइम के एक्शन को एनहेंस करता है, ठीक है, इनके एक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, एनहेंस कर देता है। प्रोस्थेटिक समूह यह एंजाइम का पोरफायरिन या एपो एंजाइम का भाग बनाता है, जो आपका प्रोस्थेटिक समूह होता है ये क्या करता है, एंजाइम का पोरफायरिन या एपो एंजाइम का भाग बनाता है, तथा होलो एंजाइम का समाकाल भाग बनाता है। होलो एंजाइम का कौन सा भाग बनाएगा, समाकाल बनाएगा, ठीक है, सेम होगा उसमें, ठीक। यह कार्बनिक या अकार्बनिक दोनों प्रकार का हो सकता है, कैसा हो सकता है आपका, कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन पेप्टाइड कंपाउंड होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए नॉन पेप्टाइड होते हैं, जो प्रोटीन से अटैच होता है, किससे अटैच होता है, प्रोटीन से अटैच होता है और डिफरेंट वे में असिस्ट करता है, ठीक है, विभिन्न तरीकों से ये आपको देखने को मिल सकता है। कार्य प्रणाली की अगर हम बात करें, ठीक है, किसके कार्य प्रणाली, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम के अगर हम कार्य प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या है, एंजाइम की कार्य प्रणाली निम्न प्रकार की होती है, ठीक है, एंजाइम की कार्य प्रणाली आपकी निम्न प्रकार की होती है, किस तरह की, नंबर एक क्या है, जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इसमें जल के अणु को ग्रहण करने पर रासायनिक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, ठीक। जल के अणु को यह ग्रहण करेगा तो रासायनिक पदार्थ क्या होगा, छोटे छोटे अणुओं में यह टूट जाता है, ठीक। प्रोटियोसिस और प्रोटोन्स, फिर क्या होता है आपका पॉलीपेप्टाइड, फिर क्या होता है आपका अमाइनो एसिड, ठीक है, तो इसमें ये टूट जाता है। प्रोटीन से क्या बनेगा आपका, प्रोटियोसिस से क्या बनेगा आपका पेप्टोन्स, पेप्टोन से क्या बनेगा पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से क्या बनेगा आपका अमाइनो एसिड बनेगा।
इसी प्रकार लैक्टोज माल्टोज का, लैक्टोज या माल्टोज का मोनोसैकेराइड में परिवर्तन जल अपघटनीय परिवर्तन है। लैक्टोज हो या माल्टोज हो, इसका जो मोनोसैकेराइड में परिवर्तन होता है वो कैसा होता है आपका, जल अपघटनीय परिवर्तन होता है, ठीक है। दूसरा बी बी कार्बनीकरण यानी कि डी कार्बोक्सीलेशन, इसमें सी डब्ल्यू एच वर्ग के निकलने के कारण, सी वर्ग के निकलने के साथ आपका CO2 बाहर निकलती है, ठीक है। जो सी डब्ल्यू एच ग्रुप है आपका, इसके निकलने के साथ ही क्या निकल जाता है आपका, CO2 बाहर निकल जाती है। एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज क्या बनाता है, पायरुविक एसिड को, डी कार्बोक्सिलेज पायरुविक एसिड को क्या बनाता है, एसीटैल्डिहाइड तथा CO2 में विघटित हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CH3, ये क्या है आपका एल्डिहाइड, और दूसरा क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या है, एल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या कर दिया इसका, बी कार्बनीकरण कर दिया, मतलब वहां से कार्बन को हटा दिया है, ठीक, कार्बन को हटा दिया है, तो एक CO2 मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा आपको उसके साथ में। कह रहा है इस क्रिया में विटामिन बी का पायरोफॉस्फोरिक एसिड सह एंजाइम है। विटामिन बी का क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड एक सह एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया द्वारा पाचन के समय कुछ अमाइनो एसिड CO2 के एक अणु के क्षय के फलस्वरूप अमाइनो एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड बनते हैं किसके साथ, कुछ समय जो कि पाचन के दौरान कुछ समय कुछ अमाइनो एसिड CO2 के एक अणु के क्षय के फलस्वरूप क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड, यानी कि इसका क्या होता है, क्षय होता है, विघटन हो जाए और क्या बन जाते हैं आपके, अमाइनो एसिड बनते हैं, ठीक है। हिस्टिडीन तो क्या बनता है, हिस्टामिन, ऑर्निथिन क्या बनता है, प्यूटरेसिन, ठीक है, क्या बनता है, प्यूटरेसिन, ठीक है। हिस्टिडीन से आपका क्या बन जाएगा, हिस्टामिन, और ऑर्निथिन से आपका क्या बन जाएगा, ऑर्निथिन से आपका क्या बन जाएगा, प्यूटरेसिन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है ऑक्सीकरण एवं अपचयन, क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो उपापचय, उपापचय के समय खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब इनमें ऑक्सीडेशन अपचयन होता है तो क्या बनता है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, ऊर्जा। ग्लूकोज के प्रत्येक 1 ग्राम अणु से 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से यानी कि प्रत्येक ग्राम से, 1 ग्राम अगर आप ग्लूकोज लोगे तो कितनी ऊर्जा निकलेगी आपकी, 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तथा CO2 व H2O उत्पन्न होते हैं, साथ ही क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनेगा। किसी पदार्थ के ऑक्सीकरण के समय दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, भाई इसमें एक पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और दूसरे पदार्थ का उसी समय क्या होगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना है, एक का क्या होगा ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या होगा, अपचयन होता है, ठीक है। तथा इसमें ऑक्सीजन की हानि व हाइड्रोजन का लाभ होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि और हाइड्रोजन का लाभ। ऑक्सीजन की हानि वाले पदार्थ को ऑक्सीजन दाता कहते हैं, जो भी ऑक्सीजन देगा, मान लो AO है, क्या है, AO, अब इसने ऑक्सीजन दे दिया तो क्या बचेगा, केवल A बचेगा, इसमें ऑक्सीजन की हानि हो रही है, ऑक्सीजन को ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन देता है उसका क्या होता है, उपचयन होता है, क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक है, या उसको कहते हैं रिडक्शन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तथा ग्रहण करने वाले ऑक्सीजन ग्राही कहते हैं, जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है वो कहता है ऑक्सीजन ग्राही, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हाइड्रोजन ग्राही कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ग्राही। ऑक्सीकरण में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीकरण की बात है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में इसके अगर अपोजिट हम बात करें अपचयन की, ठीक है, किसकी, अपचयन की या रिडक्शन की, तो उसमें क्या होगा आपका, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे यहाँ इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और इसमें हाइड्रोजन आपका निकल रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं इस क्रिया में एल्डिहाइड ऑक्सीजन ग्राही है, एल्डिहाइड क्या, ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीजन ग्राही है, तथा एल्कोहल ऑक्सीजन दाता है, एल्कोहल क्या है, ऑक्सीजन दाता है, इसको एल्कोहल, इसको ऑक्सीजन देगा, ठीक है।
किंतु दोनों ही क्रियाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करके या H2 दान करके ऑक्सीकरण पूर्ण होता है। ये हाइड्रोजन को दान कर रहा है, ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, हाइड्रोजन को दान करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण आपका पूर्ण हो रहा है। कब कब, जब एक ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है और दूसरा हाइड्रोजन को निकाल रहा है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्या है, स्कंदन कोएगुलेशन। क्या है, कोएगुलेशन करा, कुछ एंजाइम प्रोटीन को स्कंदित करके अभिलेय हो जाते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को क्या कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं, और क्या हो जाते हैं, वो अभिलेय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे रेनिन दुग्ध की केसिन प्रोटीन को अभिलेय केसिन में स्कंदित कर देता है, यानी कि उसके चारों तरफ वो जाके उसको घेर लेता है, अटैक कर लेता है उसको, चारों तरफ से उस पर लिपट जाता है और क्या कर देता है, उसको स्कंदित कर देता है, नीचे बैठ जाता है। कह रहा है साइट ऑफ इंजरी, लोकलाइजेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जहाँ पर आप कट गए हो, चोट लग गई हो, वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, लोकलाइजेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो लोकलाइज हो जाती हैं। ठीक है, कहीं दिखेंगी आपको, कहीं नहीं दिखेंगी, कोएगुलेशन होता है। और नॉन इंजर्ड एरिया, जो आपका नॉन इंजर्ड एरिया, जहाँ आपको आपकी चोट ना लगी हुई है, आपकी बॉडी सही है, उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, वहां पर क्या होगा आपका, ब्लड फ्लो होगा, यानी कि खून का बहाव वहां पर आपको देखने को मिलता रहता है। ठीक है, इस तरह से संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण अगर कुछ एंजाइम दो अणुओं का आपस में संयोजन करके पॉलीमर या एस्टर बनाते हैं। कुछ एंजाइम क्या होते हैं, आपस में संयोजन करके पॉलीमर या आपके एस्टर बनाते हैं। ये एंजाइम एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, यह एंजाइम एटीपी से ऊर्जा जो मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में मिलती है। अब हम बात करें एंजाइम के गुण की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, तो इसके कुछ गुण भी दे रखे हैं, उनको एक एक करके देख लो, उसके बाद इसकी कहानी हो जाएगी खत्म। नंबर 1, प्रोटीन की स्वभाव। प्रोटीन का स्वभाव कैसा होता है, सभी एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, सभी एंजाइम आपके किसके होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इनमें एंजाइम के गुण जैसे उच्च आणविक भार, कोलाइडल स्वभाव, निम्न विसरण और अधिकांश जीव कलाओं में से पारित होने में असमर्थ तथा विद्युत धारा से अनुक्रिया के फलस्वरूप गति आदि। तो ये क्या है, इसके कुछ स्वभाव हैं। ठीक है, प्रोटीन के स्वभाव, सभी आपके एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, एंजाइम के गुण जैसे उच्च आणविक भार, इनका अणुभार कैसा होगा, उच्च होगा। ये कैसे होते हैं, कोलाइडल स्वभाव होता है इनका। ठीक है, जैसे पानी में रेत घोल दो, पूरे में मिला दो, तो आपको जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो उनका स्वभाव कैसा था, कोलाइडल। निम्न विसरण, यानी कि इनको अगर रख दोगे तो ये विसरित कम होंगे। ठीक है, कम विसरित होंगे। अधिकांश कैसे होंगे, अधिकांश जीव कलाओं में से पारित होने में असमर्थ, यानी कि जो जीव कलाएं होती हैं, मेम्ब्रेन जो बनी होती है, उनमें से ये आर पार नहीं जा सकते। ठीक है, और तथा विद्युत धारा से अनुक्रिया के फलस्वरूप गति आदि। विद्युत धारा के अनुक्रिया के फलस्वरूप जब इनमें करंट या विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो ये उसके विरुद्ध क्या करते हैं, प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, नंबर 2, प्रतिक्रिया गति को तेज करना। ठीक है, एसिलेशन ऑफ रिएक्शन रेट, तो प्रतिक्रिया गति को तेज करने का भी इनका काम होता। कह रहा है एंजाइम केवल क्रिया की गति को तेज करते हैं, यह ना तो क्रिया प्रारंभ कर सकता है और ना ही इसको संतुलन को विक्षुब्ध कर सकता है, ये ना ही अभिक्रिया को शुरू करते हैं। इनका काम केवल होता है, अभिक्रिया चल रही है तो इनको अगर डाल दोगे तो अभिक्रिया को जल्दी कर देंगे। जो अभिक्रिया मान लो 1 दिन में होगी वो क्या कर देंगे, 1 घंटे में कर देंगे, 2 घंटे में कर देंगे, लेकिन इनका ये क्या नहीं कर सकते हैं, इसके संतुलन को विक्षिप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपका क्या है, ए और बी। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ए बी का ही मिलके बनेगा, भले ही बी ए हो या ए बी हो, लेकिन इसमें ये कोई विक्षिप्त नहीं कर सकते। ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की गति तो तीव्र हो जाती है, लेकिन सबस्ट्रेट तथा प्रोडक्ट में संतुलन बना रहता है। जो आपका अभिकारक था और जो आपका उत्पाद है उनमें संतुलन बना रहेगा। ठीक है, उनमें कोई कोई भी आपका जो आइटम है वो ना कम होगा ना ही ज्यादा होगा। थर्ड है उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी। एंजाइम में उत्क्रमणीयता की क्षमता होती है, क्या होती है, उत्क्रमणीयता की क्षमता होती है। रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर आप ए से बी बना रहे हो, क्या ले लिए मैंने, ए से बी ले लिए, तो
बी से आपका ए भी बन जाएगा, इसे कहते हैं रिवर्सिबल अपक्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल उत्क्रमणीयता, ठीक है। फोर्थ है अपरिवर्तनीय, ठीक है। क्या है? अनअल्टरेशन, यह प्रतिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तनीय रहते हैं, पूरी अभिक्रिया हो जाएगी लेकिन इनमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। करें कम मात्रा में आवश्यकता, नीड इन स्मॉल क्वांटिटी, एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा भी अनिश्चित काल तक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में समर्थ होती है। अगर आपको एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा मिल जाए तो ये बहुत सारी अभिक्रियाओं को चला सकती है, यानी कि उन अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा सकती है। एक एक अभिक्रिया हो गई, फिर ये आपका बच जाएगा, ये खर्च नहीं होता, ठीक है। इसका कंजप्शन नहीं होता अभिक्रिया में, ये बच जाएगा, दोबारा से इसको अन्य अभिक्रिया के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी, करें प्रत्येक एंजाइम केवल एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है, यह विशिष्टता अग्र प्रकार की होती है। कोई अगर एक प्रकार का एंजाइम है तो वो केवल एक ही प्रकार के अभिकारक पे अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इनकी कुछ विशिष्टताएं इस प्रकार हैं। ये आपका क्या है? ए कह रहा है प्रतिक्रिया की विशिष्टता, प्रतिक्रिया की विशिष्टता किस प्रकार होगी? कह रहा है अधिकांश एंजाइम, जो मोस्टली एंजाइम होते हैं, वो संरचनात्मक रूप से एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट की प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। अधिकांश एंजाइम क्या करते हैं? केवल एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट की प्रक्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। जैसे PO4 ट्रांसफर, क्या है? PO4 ट्रांसफर। बी आपका क्या कह रहा है? सबस्ट्रेट विशिष्टता, क्या? सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, कह रहा है एक विशिष्ट एंजाइम केवल एक विशिष्ट सबस्ट्रेट पर ही प्रतिक्रिया करता है। जैसे यूरेज केवल यूरिया पर ही प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ग विशिष्टता, क्या? वर्ग विशिष्टता, तो एक प्रकार का एंजाइम केवल एक ही प्रकार के रासायनिक वर्गों पर ही प्रक्रिया करता है या क्रिया करता है। एक प्रकार का एंजाइम केवल एक ही प्रकार के रासायनिक वर्गों पर क्रिया करता है, ठीक है। ये वर्ग विशिष्टता हो गई आपकी। डी कह रहा है आपका ध्रुवण विशिष्टता, क्या? ध्रुवण विशिष्टता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको ध्रुवण विशिष्टता, ये डी आपका कह रहा है। एपीमरेज, क्या? एपीमरेज को छोड़कर अन्य एंजाइम सामान्य रूप से ध्रुवण विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, केवल एपीमरेज ही ऐसा होता है जो ध्रुवण विशिष्टता को प्रदर्शित नहीं करता है। इसे छोड़कर सभी क्या करते हैं? ध्रुवण विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। माल्टोज अल्फा ग्लूकोसाइड के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है, क्या करता है? माल्टोज अल्फा ग्लूकोसाइड के जल अपघटन को भी उत्प्रेरित करता है, ठीक। ये कह रहा है विकृतिकरण, ठीक है। डिनेचुरेशन, यह प्रोटीनों, एंजाइम, अम्लों और अधिक लवणीयता या अल्ट्रावायलेट किरणों से विकृत हो जाता है। किससे विकृत हो जाता है? प्रोटीन से, एंजाइम अम्लों से और अधिक लवणीयता तथा अल्ट्रावायलेट किरणों से ये विकृत हो जाता है, मतलब बेकार टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सक्रियण, ठीक है। एक्टिवेशन, कुछ एंजाइम को अपनी क्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक में सक्रियण की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी? एक्टिवेशन की आवश्यकता होती है, मतलब उनको पहले एक्टिवेट करा जाए फिर जाके वो अभिक्रिया की रेट को बढ़ाएंगे, ठीक है। संदमन क्या होता है? संदमन एंजाइम की सक्रियता का विशिष्ट एंजाइम को मिलाने से संदमन हो जाता है, क्या हो जाता है? एंजाइम की सक्रियता का विशिष्ट एंजाइम को मिलाने से क्या हो जाता है आपका? संदमन हो जाता है, क्या हो जाता है? संदमन हो जाता है। तो ये तो था आपका आज का, एंजाइम क्या है, इनके रासायनिक स्वभाव और कार्य प्रणाली पर कुछ लेख था, उसको डिस्कस किया था और इसके गुणों पर भी प्रकाश डाला था। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, अभी सभी लॉन्ग आंसर हैं तो उसमें थोड़ा लंबा तो रहेगा ही। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसकी साइट है www.paperhacker.in। जब आप paperhacker.in पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ से एक पूरा साइट मिल जाएगी जिसपे आपको किसी भी प्रकार के वीडियो का, अगर आपको PDF फॉर्म चाहिए, नोट्स चाहिए और प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप
किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।